हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज माँ चंद्र घंटा का स्केच बनाने वाला हूँ मैं। तो मैंने रेड कलर से साड़ी का स्टार्टिंग कर दिया है। इसमें मैं 2 शेड डालूँगा, एक ब्लड रेड कलर और एक लाइट रेड कलर, कि देखने में थोड़ा ठीक लगे। आप लोग भी अगर बनाते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने स्केचिंग पूरी दिखाई नहीं है, मगर कलरिंग में पूरी दिखा रहा हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कलरिंग आपको कैसी लगी। और ये लाइट रेड कलर मैंने यहाँ यूज़ करा है। साड़ी पे हर जगह पे मैंने वैसे ही करा है 3D लुक देने के लिए। ऊपर की साइड मैंने ज़्यादा सिंपल ब्लड रेड ही करा है। अब ये ऑरेंज कलर से मैं उनका से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं उसे ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। और जो शेर के ऊपर, बाघ के ऊपर जो रखा है मैट, उसको मैं लाइट ब्लू कलर से सेट कर दे रहा हूँ। और उसके बॉर्डर के लिए मैंने पर्पल कलर यूज़ करा है। और लास्ट बॉर्डर के लिए ऑरेंज कलर। साड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे मैंने गोल्डन कलर से कलर करा है। ऊपर की साइड भी मैंने गोल्डन कलर यूज करा है। पैरों से मैं फेस कलर यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें फेस कलर यूज़ करूँगा। आप लोगों को मेरी ड्राइंग और इस कलरिंग कैसी लगी वो भी कमेंट में आप बताइएगा। फेस को भी मैं फेस कलर, नॉर्मल फेस कलर से ही कलर कर रहा हूँ। अब मैट का जो हिस्सा रह गया था उसे मैं डार्क येलो कलर से कलर कर दे रहा हूँ। और वो जो नेकलेस है बाघ के गले में, उसे भी मैं डार्क येलो कलर से ही कर रहा हूँ। और जो मेटल के गद्दा, त्रिशूल और तलवार वगैरह है उसे मैं गोल्डन कलर से कलर कर रहा हूँ।
माता के गले में जो ज्वेलरी है उसे भी मैंने गोल्डन कलर से कलर करा है, और जो पुष्प माला है उनके वो पर्पल कलर, और कमल का फूल वगैरह सब पिंक, और तुलसी अब मैं उनके ओठों को रेड कलर से ब्लड रेड कलर से कलर कर रहा हूँ, और आईज नॉर्मल ब्लैक कलर। बॉर्डर बाय बॉर्डर ब्लैक कलर से शेड कर दे रहा हूँ फाइनल लुक देने के लिए। बॉर्डर कर देने से एक पिक्चर में जान आ जाती है। आप लोग भी अगर कुछ बनाते हैं उसमें ब्लैक मार्कर से जिनकी निप पतली सी होती है उससे बॉर्डर करिएगा, स्केच मार्कर से करिएगा तो पेंटिंग या स्केच बेकार हो जाता है, वो लुक नहीं आ पाता उसमें, या फिर पेंसिल से ही कर दीजिएगा लास्ट। जो भी डिज़ाइन नहीं दिख रहे थे उसे मैं मार्कर से ही कर ब्लैक मार्कर से ही शेड कर दे रहा हूँ कि वो भी हाईलाइट हो जाए। आप लोगों को ये ड्राइंग कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कहीं शेयर करिएगा फ्रेंड के पास जिसको इन सब में इंटरेस्ट हो। जो भी हैंड है और मेटल जो गहने उन्होंने पहने हैं उसे मैं कलर मार्कर कर दे रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए। लास्ट वर्क है ये त्रिशूल गदा और तलवार वगैरह को हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। फाइनली हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। कमेंट में आप लोग बताइएगा आपको ड्राइंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।